कि मस्जिद के मुतवल्ली को मंदिर जाना और हार चढ़ाना, मूर्ति के आगे फूल वगैरह पहनाना उसको कैसा है? और कुछ फ़ोटो सामने आए जिसमें मस्जिद का मुतवल्ली जो है वो वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी है उसकी मूर्ति को हार चढ़ा। असल में पहला सवाल में ये है कि मूर्ति पे हार चढ़ाना, दूसरी उस शख्स के ऊपर यानी भीमराव अंबेडकर के ऊपर हार चढ़ाना, दोनों बातें अलग हैं। तो बेहतर ये है कि कुफ्र का हुक्म तो मूर्ति के ऊपर दिया जाएगा कि अगर वाकई जिसको लोग पूजते हैं मूर्ति को कुफ्र के हिसाब से अगर बंदे ने हार चढ़ाएं तो उस पर कुफ्र का हुक्म होगा, लेकिन सिर्फ किसी इंसान की मूर्ति पर हार चढ़ाएं तो उसके अंदर रियायत निकल सकती है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है इस तरीके का मामला मुतवल्ली को ख़ास तौर से करना। तो कमेटी को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वाकई में मंदिर जाके फूल चढ़ाता है तो उसको काबिले मुतवल्ली के पद पर उसको ना रहने दिया जाए। अब अपनी जरूरत के लिए आसान वजीफा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें वजीफा.sfswarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे।